गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस, आज मैं जल्दी उठ गई। यूजुअली मैं लेट उठती हूँ, बट आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरे यहाँ पर होंगी नवरात्रि, मतलब कन्या होंगी, कन्या पूजन होगा आज, तो फिर जल्दी उठ गई हूँ मैं। एंड अभी शॉप से आई हूँ सामान लेके कुछ, और आज मन का बर्थडे है, इट्स 11 अक्टूबर टू डे। मैंने उसको जस्ट अभी विश किया है, रात में मैं सो गई थी, रात में मैंने उस विश नहीं कर पाया, मुझे याद भी नहीं था। अब ये ब्लॉग देख रही होगी तो क्या कही, मेरा बर्थडे याद नहीं था इसको। वैसे मैंने उसको बता दिया है, मैंने अभी जस्ट उसको कॉल किया, मैंने कहा मनु हैप्पी बर्थडे, मैं रात में सो गई थी, करी हाँ मुझे पता था, मुझे पता था अच्छे से। सो आई जस्ट विश्ड हर ऑल्सो। आज हमारी सोसाइटी, मतलब आज हमारे टावर का यहाँ पे गरबा और डांडिया नाइट है, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर होना है थोड़ा, क्या पहनना है क्या नहीं वो सब डिसाइड करना है, तो वो भी इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। मैम कीप वॉचिंग, बाय बाय। अभी मुझे नींद सी आ रही थोड़ी थोड़ी, नींद आ रही है। पूजा कर ली है एंड अभी मैं जा रही हूँ कुछ कन्याओं का इंतज़ाम करने, उन्हें लेने के लिए इनवाइट करके आती हूँ। अभी मैंने ना ये सॉरी कुछ ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो इसमें से ये कुर्ता है, इसको मैं अभी वेयर करूँगी एंड अभी दिखाती हूँ। कलर की कुर्ती है, इसको मैं अब वेयर करूँगी। लेट्स गेट रेडी, आई एम रेडी नाउ। कन्या का खाना मिला है, दे दे ना अंदर से, दे दे, कुछ नहीं करेगा, नहीं 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 कुछ करेगा। जाओ इधर आओ, कम हियर, जल्दी आओ, आ जाओ, इसको यहाँ पे मत बुला, आ जाओ अंदर बैठ जाओ। हेलो, आ जाओ इधर आओ। छोड़ जाऊंगी मैं, ठीक है? रेचल को मत कर दिया, बट है तो बहुत क्यूट सी है रेचल। बैठ जाओ, बैठ जाओ, देखिए रेचल, इधर देखो रेचल, अभी हाथ उठाओ ना, एक सेकंड रेचल, उसे कुछ चाहिए तुमसे, तुम्हारा बैग चाहिए उसको, अनवी दे दो उसे। पूरी सोसाइटी का सबसे प्यारा डॉग रेचल, क्या हो गया, टीका लगवाना उसको, मैं तो बड़ी हो गई, मुझे थोड़ी खिलाया जाएगा। Thank you.
फ्रॉगी वाली, मुझे पर्पल वाली, ये है लीना दीदी। वाओ, मैं स्टील की भी लेके आई थी पर वो मैं अपने लिए लेके आई हूँ, फिर मैंने कहा बच्चों को प्लास्टिक वाली बांट दूंगी, मुझे अच्छी लग रही थी, क्यूट क्यूट सी, देख सारे कलर्स हैं इसमें, है ना। पर्पल ले लूँगी। गाइस मेरी मौसी आई थी, उन्होंने सारा खाना बना दिया था अच्छे से एंड काफ़ी अच्छे से कन्या हो गई थी, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतने अच्छे से हो जाएंगी। चप्पल जूते बाहर, पूजा यहाँ पे उतार दो, यहाँ पे उतार दो, यहाँ पे यहाँ उतार दो। कन्या हो गई सारी काफ़ी अच्छे से, अब शाम को नवरात्रि का प्रोग्राम है, इसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और गरबा डांडिया खेलेंगे। ये नेक पीस भी और मतलब मैच करेगा ना इसके साथ, अच्छा लगेगा, थोड़ा ऑक्सीडाइज मतलब ऐसा वाला लुक बढ़िया लगेगा। ये मैंने जब से परचेज किया है ना, मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, मैंने इसको अभी तक शायद नहीं पहना है, हाँ है ना, हाँ रखा ही है, मैं सोच रही हूँ इसको पहन लूँ शाम को। रेडी होने में 7:30 बज चुके हैं, रेडी होने में टाइम लगता है, मेबलिन फिट भी काफ़ी सामान पड़ा है, अब रेडी हो रही थी जल्दी। ग्लिटरिंग वाला आई शैडो लगाया, मैं लाइनर लगाऊंगी, आईलाइनर, दिस इज लैक्मे लिक्विड आईलाइनर 12 hour 60 ऐसा है, 9 to 5 एच डी लाइनर। खुल जा भाई, न्यू है ना थोड़ा, ठीक है कि मेरी आंखों में समय से पानी आता है, ये टपक गया, आंसू जल गिर रहा है, एक आंख में टिक लग गया, एक आंख में खराब हो गया, हाइलाइटर मेरे पास एंड वन दिस, ट्राई करते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, एंड दिस आर माय हील्स। ज़्यादा लेट हो चुकी है, मैंने फोटोग्राफर बुक कर लिया था अपनी पिक्स क्लिक कराने के लिए एंड वो नीचे कंपाउंड में आ गए और मैं यहाँ पे अभी तक रेडी नहीं हो पाई, बट अब मैं रेडी हो गया, ये रहा मेरा लुक पूरा, अभी सारा सामान पूरा फैला पड़ा है, नोट क्या रेडी करूँगी, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ लुक क्रिएट किया है अपना, एंड ये तो मैंने बहुत टाइम से परचेज कर रखा था बट आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना है, और
बहुत अच्छा लुक लग रहा है, मुझे नीचे जाके बस डांस करना है और अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करानी है। जल्दी जल्दी मैं दुपट्टा इसका लगाना ही भूल गई, बट अब मैंने टग इन कर लिया इसको, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नीचे जाके आप लोग को पूरा लुक दिखाऊंगी इसका कैसा लग रहा है। अरे नीचे तो पहुंच जाऊंगा। गाइज डांस करते करते 2 घंटे कंटिन्यूसली मेरी हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा ख़राब। आई वॉज टोटली डिहाइड्रेटेड एंड पता नहीं क्या एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होने लगा, ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं एकदम मुझे चक्कर से आने लगे तो मैं वहीं बैठ गई थी, वहाँ पास में एक आंटी थी ग्राउंड फ्लोर पर, उनका घर था, उन्होंने काफ़ी मुझे संभाला एक तरीके से, पानी वगैरह पिलाया, बीपी मेजर किया। एंड लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, मतलब बीपी मेरा कभी डाउन हुआ ही नहीं, फर्स्ट टाइम बीपी डाउन हुआ मेरा, जो कि 45 समथिंग रह गया था। एंड फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती रही तो 2-3 दिन नज़र उतरती नहीं, पड़ोसियों ने नज़र उतारी, कभी किसी ने अलग अलग तरीके से, फिर जाके मैं थोड़ा ठीक हो पाई। एंड वापस से वीपी मेजर किया था तो थोड़ा ठीक हो गया था। फिर हमने दशहरा के लिए पार्क में गए थे, वहाँ थोड़ा फंक्शन था बच्चों का डांस का, तो थोड़ा वो इन्जॉय किया था। बाकी मेरा गरबा नाइट का एक्सपीरियंस तो थोड़ा वर्स्ट हो गया, जो सोचा था अच्छा होगा बट अच्छा कुछ नहीं हुआ, लास्ट में जाके सब ख़राब हो गया। बट हाँ ये अच्छा हुआ, मैंने पहले अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा ली थी, थोड़ा इन्जॉय कर लिया था। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई थी 11 बजे समथिंग, तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हुई फर्स्ट टाइम लाइफ में इतनी, कि लगा कि पता नहीं क्या हो गया एकदम से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई मुझे। बट मेरे पड़ोसी लोग काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मेरा काफ़ी ध्यान रखा। एंड बस इतना ही था इस ब्लॉग में और कुछ ज़्यादा नहीं। और अब नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आएगा दिवाली वाला, तो आप लोग इस चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर ब्लॉग अच्छा ना हो तो लाइक कर लेना। एंड तब तक के लिए बाय बाय।